Welcome everyone. This is your course in charge, Dr. Nikhat Sarwar. Today I would like to start my another session about course Radio News Reporting and Production. In this session, we will discuss some characteristics of broadcast news writing. लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ आर्ट ऑफ न्यूज राइटिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड दोस, थोड़ा सा मैं ब्रीफली उनको बता दूं, फिर आज के हम आते हैं न्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स पे. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अबाउट न्यूज राइटिंग. न्यूज राइटिंग इज एन आर्ट and a more difficult art when it is meant for broadcasting because it is a writing for ear. ठीक है, बहुत मुश्किल आर्ट होता है ये फॉर ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि आप इसमें जो है आपके पास इमेज नहीं होता है, आप सिर्फ अपनी वर्ड से अपने अल्फाज से जो है सुनने वाला है लिसनर है ठीक है उस तक अपनी बात पहुंचा रहे होते हैं, तो आपके पास उसमें जो है गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपकी गलतियां जो होती हैं मिस्टेक्स होती हैं वो फौरन जो है वो आ जाती है, वो पकड़ में भी आ जाती है, तो आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है. ठीक है, वैसे तो किसी भी मीडियम को ले लें आपने मुश्किल होता है चीज़ों को जाहिर है लेके चलना, लिखना और पढ़ना और प्रेजेंटेशन की, बट स्पेशली फॉर रेडियो आपके पास सिर्फ क्योंकि आपको बोलना होता है और आपके जो है अल्फाज उनका चुनाव और ग्रामेटिकली आपने चीजों को लेके चलना होता है, इन्वर्टेड पैरामीटर स्टाइल हम यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, हमारे जो है बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि हमने ग्रामेटिकली भी उनको देखना होता है, कुछ वॉइसेस का टेंसेस का ख्याल रखना होता है हमें, टाइटल्स डेट डे इन चीजों को फोकस में करना होता है, क्योंकि जो हम मेन हमारी जो कोशिश होती है जो लिसनर है ठीक है तो उसको सुनने में ठीक है और समझने में ठीक है इसमें गैप ना हो कि वो इसमें सुन कुछ और है समझ कुछ और है, तो आपने बड़ा केयरफुली चलना होता है. आप डेट्स भी बता रहे होते हैं तो आपने उसको भी बड़े केयरफुली चीजों को लेके चलना होता है. ठीक है, आपने ब्रीफली डिफाइन करना होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक की भी कोई गुंजाइश नहीं होती है, आपको हमेशा करेक्ट ग्रामर यूज करनी होती है. इन इन्फॉर्मेशन आप जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा आप फर्स्ट उसमें दे रहे होते हैं, गुड लीड्स दे रहे होते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था हेडिंग्स का आपने ख्याल रखना होता है, यू हैव टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस एंड यू हैव टू राइट द वे पीपल टॉक, यूज कॉन्ट्रैक्शंस एब्रीविएशंस भी, बाज दफा एब्रीविएशंस आपको जो है आप सिर्फ एब्रीविएशंस से काम नहीं चलता है, बाज दफा आपने उसके पूरा डिफाइन भी करना होता है. ठीक है, जो चीजें लोगों के माइंड में होती हैं उसी को सामने रख के आपने ठीक है चलना होता है. तो बाद टाइम ऐसा होता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ठीक है जिसकी अगर आप इन डिटेल में बताएंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा. ठीक है, लेकिन अगर आप उसको शॉर्ट वे में शॉर्ट सेंटेंसेस में या शॉर्ट वे में बताएंगे तो लोग उसको ईजिली समझ लेंगे. ठीक है, तो आपने अपने लिसनर्स के मेंटल लेवल को भी देखना होता है. ठीक है, उस लिहाज से फिर आपने अपनी चीजों को, और ये चीजें ऐसी होती हैं कि ये जो न्यूज राइटर है ठीक है तो वो उसको रोज नहीं बताई जाती हैं, उसको ये चीजें जाहिर है जो लिखता है तो उसको चीजें पता चल जाती हैं, तो इन चीजों का हमें ख्याल करना होता है. ठीक है, एब्रीविएशंस का हो गया, ठीक है कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं बाज दफा जो जर्नलिस्टिक टर्म्स होती हैं उनको हमें माइंड में रखना होता है कि वो हम किस तरह बताएंगे, एग्जैजरेशन की कोई गुंजाइश नहीं होती है. ठीक है, आपने जब भी लिखना है तो एग्जैजरेशन वाले फैक्ट नहीं आने चाहिए. ठीक है, तो चलेंगे जैसे जैसे ये पॉइंट्स मैं आपको बताती जाऊंगी, चीजें क्लियर करती जाऊंगी. अभी हम वन बाय वन में आपको चीजें बताती हूँ ताकि बहुत ज्यादा चीजें भी एक साथ समझना मुश्किल हो जाती है. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताती चली जाऊंगी. ओके, कम टू फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो न्यूज राइटिंग और ब्रॉडकास्ट न्यूज राइटिंग.
फर्स्ट राइट फॉर द ईयर. वी गेट ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू मेक आवर सेल्व्स अंडरस्टूड. इन न्यूज़पेपर्स यू वर राइटिंग फॉर द आई, इन ब्रॉडकास्ट यू विल राइट फॉर द ईयर. वी हैव टू मेक एवरी सेंटेंस वी राइट वेरी क्लियर सो दैट लिसनर्स अंडरस्टैंड वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट after having heard it only once. ठीक है, आपके पास रेडियो में सिर्फ एक चांस होता है. ठीक है, इसलिए आप जो आपका लिसनर्स होता है उस तक आपकी बात फौरन इमीडिएट पहुंचानी होती है, और आपके पास अपनी बात पहुंचाने का एक चांस होता है. ठीक है, क्योंकि आपके पास पीछे कोई इमेज नहीं होता है. अगर आप वो चांस मिस कर लेंगे तो फिर वो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा. ठीक है, तो इसमें आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत होती है. आपने वर्ड्स अल्फाज जो आप यूज कर रहे होते हैं वो बड़ा सोच समझ के लिखना होता है, और ऐसे वर्ड यूज करने होते हैं जिनके दो मायने ना निकल रहे हों. ठीक है, मीनिंग उनकी बहुत ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड्स हों जो लोगों की यूज में हो. ठीक है, लोग उसको समझ जाए. बहुत ज्यादा लिटरेरी वर्ड ना हो कि उनको मायने ही समझ नहीं आए. ठीक है, अगर मीनिंग ही समझ नहीं आएगा तो डेफिनेटली वो मैसेज आपका कैसे कन्वे होगा. तो बी केयरफुल, यू आर राइटिंग फॉर द ईयर्स नॉट फॉर द आईज. ठीक है, अखबार में अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो उसमें ये एडवांटेज होता है आप अखबार दोबारा पढ़ लेते हैं. ठीक है, एक न्यूज समझ नहीं आई, आपने एक दफा पढ़ लिया, दूसरी दफा भी पढ़ लिया तो चीजें क्लियर हो गई. लेकिन आपके पास रेडियो में ये चांस नहीं होता है, आपने एक ही दफा में अपने लिसनर को जो अपना मैसेज होता है वो देना होता है. तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है. ब्रॉडकास्ट स्क्रिप्ट शुड बी रीड अलाउड सो दैट द राइटर कैन हियर हाउ इट विल साउंड व्हेन द वर्ड्स आर स्पोकन. ठीक है, एक तरीका ये है कि आप जब भी स्क्रिप्ट लिख लें आपके पास आए, ठीक है, न्यूज़कास्टर के पास आए, तो उसको अलाउड जोर से पढ़े. ठीक है, ताकि बार दफा जो होते हैं साउंड, एक तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, आपने हमेशा प्रैक्टिस करके आना होता है. ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस आप कभी भी नहीं रेडियो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं. और जो लिखने वाला था उसके लिए उसको भी ये चाहिए कि जब वो लिख रहा है तो खुद भी, ठीक है, एक लाउड पढ़ के अपने आप को, ठीक है, वो एक दफा जरूर सुने. ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम साउंड इसके स्पोकन सही नहीं आ रहे होते हैं, तो फिर आपको वर्ड चेंज करने का भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है. लेकिन जाहिर है ये काम आपने स्क्रिप्ट लिखते हुए करना होता है. तो बी केयरफुल अबाउट रीडिंग, जब आप रीड कर रहे हैं तब भी आपने बड़ा केयरफुल रहने की जरूरत होती है. नाउ कम टू नेक्स्ट विच इज इन्वर्टेड पैरामीटर स्टाइल. ठीक है, इट मीन्स स्टोरी स्ट्रक्चर. इन्वर्टेड पैरामीटर स्टाइल इज एन इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ न्यूज राइटिंग. आपको मैं पहले भी हमेशा क्लास में बता चुकी हूँ कि एक स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग न्यूज है जो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दियर इम्पोर्टेंस. हेडिंग होती है, इंट्रो होता है. इंट्रो में आपने 5 W 1 H से रिलेटेड जितने भी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट W's होते हैं वो आप इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल में इंट्रो में दे रहे होते हैं, डिटेल्स दे रहे होते हैं और फिर एंड कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ भी आपने सेम स्टाइल में चलना होता है. ठीक है, आपने वही इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल में न्यूज देनी होती है. बट बाज दफा कुछ न्यूज ऐसी होती है, ठीक है, जो जिसमें आप इस पैटर्न से हट भी सकते हैं, बट इट डिपेंड अपॉन के न्यूज क्या है. ठीक है, नॉर्मली जो हार्ड न्यूज होती है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स और एक्सीडेंट्स और इस तरह की, तो वो हम इन्वर्टेड पैरामीटर स्टाइल में ही दे रहे होते हैं. और जो फीचर होती है, सॉफ्ट न्यूज होती है, तो उसमें आप थोड़ा सा इन्वर्टेड पैरामीड स्टाइल से हटके भी न्यूज दे सकते हैं. तो ये सेम वे है यहाँ पे भी. इन्वर्टेड पैरामीटर स्टाइल रिमेन द बेसिस ऑफ मैनी स्टोरीज, स्पेशली हार्ड न्यूज स्टोरीज, which means begin with the most important facts and continue with facts of lesser and lesser importance. ठीक है, सबसे पहले आप most important fact दे देते हैं और उसके बाद उसको descending order में उससे कम important, lesser, lesser और फिर least जो important होता है वो आप end में दे रहे होते हैं. In broadcast writing, we also use the inverted pyramid style. We build stories in descending order of the facts. The end of longer broadcast news stories either should contain a summary statement. ठीक है, हो सकता है कि एंड में आप एक summary statement दे दें, आपके पास गुंजाइश होती है, but normally हम इसको inverted pyramid style में ही लिखते हैं. लेकिन बाज़ दफा कुछ news ऐसी होती हैं जो हम इससे थोड़ा सा
हटके भी दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आपके पास इसमें गुंजाइश होती है, लेकिन ये है कि वो हार्ड न्यूज ना हो, ठीक है, कोई भी न्यूज हो, इवेंट से रिलेटेड हो, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर एग्जिबिशन है, तो इसमें आप थोड़ी सी इस चीज को इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल से हटके भी फ्लावर एग्जिबिशन से रिलेटेड न्यूज दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो के और इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल न्यूज राइटिंग जो है वो मीडिया, चाहे कोई भी मीडिया हो, रेडियो, टीवी, आप या फिर ये न्यूज़पेपर, ठीक है, वो सारे जो हैं हम लोग ये इसमें इन्वर्टेड पैरामीटर स्टाइल ही यूज करते हैं। देन कम टू नेक्स्ट, यूज्ड कन्वर्सेशनल टोन। ब्रॉडकास्ट राइटर्स यूज कन्वर्सेशनल टोन। ब्रॉडकास्ट राइटिंग इज अ बिट लेस फॉर्मल देन प्रिंट राइटिंग, इज यूज कॉमन वर्ड्स बट यूज देम वेरी वेल। व्हेन राइट फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ब्रॉडकास्ट न्यूज राइटिंग एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल न्यूज राइटिंग मीन्स न्यूज पेपर्स, आप इसमें अ लिटिल बिट फॉर्मल होते हैं, लेस फॉर्मल होते हैं, ठीक है। आप जो है कन्वर्सेशनल टोन, ठीक है, लाइक आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक जो आपके अपने लिसनर है, ठीक है, उसको साथ लेके चलना होता है, उसे एक अफेक्शन और अपनाइयत वाला आपने रोल प्ले करना होता है, तो आपने वो थोड़ा सा कन्वर्सेशनल टोन करना होता है, ऐसे कि जैसे आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, स्टोरी टेलिंग सॉर्ट ऑफ आपने स्टाइल यूज करना होता है, तो आपने इसमें थोड़ा बहुत, ब्रॉडकास्ट न्यूज राइटिंग इज अ बिट लेस फॉर्मल देन प्रिंट राइटिंग, ठीक है। प्रिंट राइटिंग में आपने कोई ऐसा अफेक्शनेट और ये दोस्ताना और कन्वर्सेशनल टोन नहीं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपने उसको एज इट इज लिखना होता है, बट रेडियो में आपके पास ये गुंजाइश होती है कि आप थोड़ा सा कन्वर्सेशनल टोन लें, आप जो है स्टोरी टेलिंग टाइप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका सेंटेंस डेफिनेटली ये आपको कॉन्सेंट्रेट आप खुद कर रहे होंगे कि आपको ग्रामेटिकल आप उसको किस तरह लेके चलेंगे, सही ग्रामेटिकल होना चाहिए उसमें, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, कि उसके दो मायने ना निकल रहे हो, ठीक है। और फिर ये उसके लिए रिकास्ट जो न्यूज रीडर होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि सेंटेंस इस तरह बनाए जाए, उनकी फॉर्मेशन ऐसी हो कि बहुत तवील लॉन्ग सेंटेंसेस ना हो, कि ग्रामेटिकली वो वहां पे जो न्यूज कास्टर है वो उलझ जाए और अल्फाज की अदायगी सही ना करे, ठीक है। लाइक कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पे आपको मिडल में जो है वो बहुत ज्यादा एम्फेसिस करना होता है, ठीक है, या पॉज करना होता है, या किसी एक वर्ड को आपने इस तरह पढ़ना होता है, ठीक है, उसके मफहूम सही तरह समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है रोको मत जाने दो, ठीक है, मैंने क्लास में भी बहुत दफा आपको एग्जांपल दिया, इसको आप बहुत तरह से पढ़ सकते हैं, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है। तो ये ऐसे सेंटेंस हैं, तो ये जो न्यूज कास्टर है और जो लिखने वाले हैं, ठीक है, उनको ही इसके बारे में पता होगा, तो ये बी केयरफुल के लिखते हुए आपने थोड़ा सा इन चीजों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं रेडियो के लिख रहे हैं और सुनने वालों को उसमें कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होनी चाहिए। Come to next, which is use contraction. A contraction make broadcasting sound. A contraction make broadcasting sound much more natural and conversational. A contraction is a word made by shortening and combining two words. आपने जब रेडियो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं आप, तो आपने उसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी है, ठीक है, क्यों? अ कॉन्ट्रैक्शन मेड ब्रॉडकास्टिंग साउंड मच मोर नेचुरल, ठीक है, इसमें एक नेचुरल इफेक्ट आना चाहिए, जिस तरह आप बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, तो आपने रेडियो न्यूज स्क्रिप्ट में भी वही कन्वर्सेशनल टोन ही यूज करनी होती है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन। आप दो वर्ड को
ठीक है, कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि क्योंकि लिखने की भी बात हो रही है, जाहिर है आप जिस तरह लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट जिसी तरह होगा वो उसी तरह जो है न्यूज़कास्टर उसको पढ़ेगा, तो बी केयरफुल कि आप जिस तरह बोलते हैं आपने उसी तरह ही लिखना है, ठीक है। जैसे एक वर्ड है कैन नॉट, कैन प्लस नॉट, ठीक है, आप इसको कांट लिखते हैं, डू प्लस नॉट डोंट, आई प्लस हैव आई हैव, तो आप इसको जिस तरह आप बोल रहे हैं आप इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। तो आपने इसमें क्या करना है, यूज करना है, यू हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस। तो इट इज बिकम्स इट्स, इट इज आप अलग नहीं लिखेंगे, इट इज बिकम्स इट्स, ही इज बिकम हीज, आई एम becomes I am, I am नहीं लिखेंगे आप, I am, ठीक है, क्योंकि लिखने में आप जिस तरह लिखेंगे जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो उसको उसी तरह, तो कोशिश ये करें कि आप इस तरह लिखें विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ही आप अपना स्क्रिप्ट न्यूज़ का लिखें, ताकि पढ़ने वाले को उसमें कोई मसला ना पेश आए, ठीक है, वो उसको एज इट इज पढ़ ले। वरना एक बार दफा ये होता है कि आप न्यूज़ पढ़ने बैठते हैं तो आपकी बार दफा जबान भी, ठीक है, टंग स्लिप हो जाती है और आप उसको सही तरह नहीं पढ़ पाते हैं, तो ठीक है, इस तो इसमें या तो आप ब्रैकेट में ये दोनों लिख लें, और बेहतर ये कि आप जिस टोन में आपने ये पढ़वाना है आप उसी को, ठीक है, उसी को यूज करें और उसी तरह लिखें। देन कम टू नेक्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इन ब्रॉडकास्ट राइटिंग वी यूज शॉर्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मीन एनी एक्शन और स्पीच दैट मेक्स अ स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मीन एनी एक्शन और स्पीच दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्टेट्स अ फैक्ट्स, ठीक है, कोई फैक्ट्स बता रहे हो या फिर आप कोई स्टेटमेंट बता रहे हो, तो नॉर्मली आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। आप आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आप एक फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, जो आप अपने लिसनर्स को या तो फिर कोई स्टेटमेंट के बारे में आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, लाइक जैसे ही रन्स शी सिंग्स, आपने कोई ऑपोजिट क्वेश्चन नहीं करना है आपने, ठीक है, आपने सिर्फ स्टेट्स फैक्ट्स एक्शन भी ये बताने हैं अपने ऑडियंस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है आई लव रेड कलर, ठीक है, तो आपने इसको आई लव रेड कलर ही लिखना होगा, ठीक है, आप ये नहीं लिखेंगे व्हाट कलर डू यू लाइक, आपने इसको आई लव रेड कलर कलर है, तो आपने एक सिंपल वे में इसको बता देना है, ठीक है, एक सिंपल से सेंटेंस में इस बात को आपने अपने लिसनर्स तक पहुंचाना है, ताकि उनको ये स्टेटमेंट जो है फौरन समझ आ जाए, और ये इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ना हो, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उनसे क्योंकि क्या आपको कौन सा कलर पसंद है, आपने डायरेक्ट उनको इसके बारे में सिर्फ बताना है। देन कम टू नेक्स्ट, यूजेज ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है, ब्रॉडकास्ट न्यूज राइटर्स जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब अपनी वो ब्रॉडकास्ट न्यूज राइटिंग में दोनों चीजें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, बट आपने कोशिश ये की करनी चाहिए कि सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अच्छा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते हैं, बट ये इन चीजों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली ये होता है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो लोग आपकी बात जल्दी समझेंगे, और ये डेफिनेटली कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है, दीज आर दी जिसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम दिया, बेसिकली दीज आर दी टेक्निक्स ऑफ ब्रॉडकास्ट न्यूज राइटिंग, ठीक है, तो अब आप इसमें ये नहीं कि होता नहीं है या नहीं किया जाता है वो अलग चीज है, बट नॉर्मली होना यही चाहिए, कुछ ये रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए फॉर राइटिंग रेडियो स्क्रिप्ट, ठीक है, कीप द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल,
कि सब्जेक्ट और वर्ब को आपने एज क्लोज टू ईच अदर एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो, तो इससे क्या होगा आपके जो मीनिंग है ठीक है वो बड़ी, उसमें कोई मसला नहीं होगा, लोग फौरन आपकी बात जो है समझ जाएंगे, और एक कन्वर्सेशनल टोन होती है बोलने में, और ये चीजें ये बेटर होती हैं ठीक है। जैसे मैं आपको दो सेंटेंस बता रही हूँ, अब आप देखिएगा कि इसमें से कौन सा सेंटेंस आप समझते हैं जिसमें के सब्जेक्ट और वर्ब क्लोज हो रहे हैं ठीक है, क्लोजली इन पे बात हो रही है। एक सेंटेंस है, पुलिस दिस मॉर्निंग अरेस्टेड अ सस्पेक्ट, पुलिस दिस मॉर्निंग अरेस्टेड अ सस्पेक्ट। इसी सेंटेंस को अगर मैं दूसरी तरह बोलना चाहूं, दिस मॉर्निंग पुलिस अरेस्टेड अ सस्पेक्ट, दिस मॉर्निंग पुलिस अरेस्टेड अ सस्पेक्ट। इसमें आपको क्या चीज नजर आ रही है, सब्जेक्ट एंड वर्ब कम क्लोज टू ईच अदर ठीक है, तो आपने जितना इनको करीब लाना है, क्लोज करना है, तो वो बेटर है, और वो एक अच्छा साउंड भी क्रिएट करता है, और समझ भी उसको जल्दी आएगा। पुलिस दिस मॉर्निंग अरेस्ट अ सस्पेक्ट, दिस मॉर्निंग पुलिस अरेस्टेड अ सस्पेक्ट ठीक है, तो क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब करीब है, तो ये ज्यादा बेटर साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाते हैं, नेक्स्ट टू प्रेजेंट अ फ्यू फैक्ट्स। हमें जो है बाज दफा बहुत सारे फैक्ट्स आ जाते हैं ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक साथ हम अपने लिसनर्स को बता देते हैं, तो उससे क्या होता है लिसनर्स जो है वो एक कंफ्यूजन ठीक है, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है उनका माइंड, इतने सारे फैक्ट्स वो बाज दफा जो है समझ नहीं आ रहे होते हैं उनको कि, तो एक साथ बहुत सारे फैक्ट्स आप ना बताएं ठीक है, बेहतर है कि आप वेल डेवलप्ड फैक्ट्स बता दें इन प्लेस ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्ट्स ठीक है। एक कोई भी खबर आती है किसी भी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, तो हर चीज आपको बतानी, और शायद न्यूज़पेपर में तो फिर भी आपके पास गुंजाइश होती है कि आप ये चीजें लिख दें ठीक है, क्योंकि स्पेस का भी थोड़ा इतना मसला नहीं होता है, टाइम ड्यूरेशन जाहिर है, हमें रेडियो में एक लिमिटेड टाइम में अपनी मैसेज देना होता है, बहुत सारी जो न्यूज बुलेटिन में बहुत सारी खबरें भी हमें देनी होती है, चाहे वो 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन हो, 10 मिनट का हो, तो हमने उसमें टाइम भी हमारे पास लिमिटेड होता है ठीक है, तो हमने बहुत ज्यादा जो है केयरफुली चलना होता है, अपने टाइम को भी देखना होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज भी उसमें एडजस्ट करनी होती है, तो इसलिए हम कुछ चीजों का एज कम्पेयर टू न्यूज पेपर यहाँ रेडियो पर ज्यादा ख्याल करते हैं। सो इट्स बेटर टू प्रेजेंट अ फ्यू वेल डेवलप्ड फैक्ट्स देन लॉट्स ऑफ लिटिल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लिसनर्स आर ऑप्ट टू गेट लॉस्ट टू मच इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज नॉट गुड, टू मच इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज नॉट गुड ठीक है, क्योंकि आपके पास शॉर्ट होता है टाइम पीरियड, शॉर्ट होता है रेडियो में, आप बहुत ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते हैं, तो आपने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ठीक है, विच इज रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी, जो भी है पर्सनैलिटी है, इवेंट है, मिसहैप है ठीक है, आप जिस चीज की भी बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, कोई पॉलिसी है, तो जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप उठा लें और उस पर बात करें, और बाकी जो चीजें हैं ठीक है डिटेल्स उसकी गुंजाइश नहीं होती, और ये आपका ही काम है, राइटर का काम है, जाहिर है जो लिख रहा है न्यूज उसका काम है, उसको पता होगा कि कौन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है, जो लिसनर्स को सुनाने बतानी जरूरी है ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं न्यूज में इन्फॉर्मेशन ही दे रहे होते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, और जो इसमें भी आपने लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, लेकिन आपने हर चीज को एक साथ नहीं देना होता है ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप देते हैं, बाकी आप जो है वो रख दें, या तो फॉलोअप आएगा उस न्यूज का तब उसमें चली जाएगी, या फिर वो अगर टाइम नहीं है तो आप नहीं दे सकते हैं। ओके कम टू नेक्स्ट, यूज एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस इज द चॉइस ऑफ ब्रॉडकास्टर्स, राइट इन एक्टिव वॉइस अनलेस द सेंटेंस साउंड्स स्ट्रेंज व्हेन यू रीड इट अलाउड, पैसिव वॉइस आर फेयरली रेयर, ऑलवेज मेक द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्टिव रादर देन पैसिव,
ठीक है, एक तो आपने एक्टिव वॉइस में लिखना है। नॉर्मली आप जो है, जो एक पसंदीदा तरीका है वो फॉर रेडियो स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर ब्रॉडकास्टिंग, के आपने एक्टिव वॉइस में लिखना है। ठीक है, पैसिव वॉइस फेयरली रेयर, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि कभी भी ना लिखा जाए, लेकिन रेयर होता है, कम होता है, और इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, एक्टिव वॉइस में आपने लिखना है, और पैसिव वॉइस को आप मोस्टली यूज करें, अवॉइड करें। ठीक है, अब एक वर्ड मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ। द पुलिस ऑफिसर वॉज हिट बाय अ सिंगल शॉट फायर्ड बाय पॉल। द पुलिस ऑफिसर वॉज हिट बाय अ सिंगल शॉट फायर्ड बाय पॉल। ठीक है, ये आपका जो है एक सेंटेंस है। अब इसको अगर हम इस तरह पढ़ते हैं, पॉल फायर्ड अ सिंगल शॉट एट द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, दिस इज मच बेटर देन द पुलिस ऑफिसर वॉज हिट बाय अ सिंगल शॉट फायर्ड बाय पॉल। ठीक है, ये आप इसमें भी एक्टिव वॉइस, ठीक है, ज्यादा मफहूम को जाहिर कर रहे हैं, कम अल्फाज में आपका जो है मफहूम ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस। अच्छा, एक और इसका, इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक्टिव वॉइस की। आई स्पीच वॉज गिवन बाई द गवर्नर। ये पैसिव, इसका अगर आप एक्टिव करें, द गवर्नर गेव अ स्पीच, वर्ड्स कम है, बात वही है, बट एक्टिव वॉइस में ये ज्यादा क्लियर हो रही है। अ स्पीच वॉज गिवन बाय द गवर्नर, दिस इज पैसिव, ऑलवेज ट्राइंग टू यूज एक्टिव वॉइस। द गवर्नर गेव अ स्पीच, कम अल्फाज में आपने ज्यादा से ज्यादा बात करनी होती है। ठीक है, आपने कंसाइज प्रिसाइज वे में चलना होता है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, तो ऑलवेज यूज एक्टिव इन प्लेस ऑफ पैसिव वॉइस। कम टू नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट राइटर यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस व्हेन अप्रोप्रिएट। ठीक है, जब जरूरत हो आप प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस यूज करते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग न्यूज नॉट हिस्ट्री। ठीक है, आपको हिस्ट्री नहीं बता रहे हैं कि आप पास्ट में चले जाएं। द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस गिव्स द इम्प्रेशन दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ, इज ऑफन अप्रोप्रिएट स्पेशली इन द फर्स्ट लाइन ऑफ स्टोरी। अब इसकी एग्जाम्पल लिख लें आप, कि आपने प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को किस तरह यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल है, डॉक्टर सेज दे आर सरप्राइज एट द लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल वेटिंग लिस्ट। इसका इस सेंटेंस को अगर हम इस तरह बोलें, डॉक्टर्स हैव एक्सप्रेस सरप्राइज एट द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल वेटिंग लिस्ट। ठीक है, सही दोनों है, बट आपने क्योंकि प्रेजेंट वे में चलना होता है, तो ये ज्यादा बेहतर है। डॉक्टर सेज दे आर सरप्राइज एट द लेंथ ऑफ द हॉस्पिटल्स वेटिंग लिस्ट। ओके, कम टू नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट स्टोरीज आर रिटन इन टूडेज लैंग्वेज। ठीक है, हमेशा ब्रॉडकास्ट स्टोरी में आज की लैंग्वेज यूज होती है, आज का, आज की। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज नहीं देनी होती है जो पुरानी हो। ठीक है, आपने हमेशा जो एक टाइमलीनेस वाला फैक्टर है वो ही, उसी को यूज करना होता है। द वर्ड यस्टरडे इज इंट अलाउड इन द लीड सेंटेंस ऑफ ब्रॉडकास्ट न्यूज राइटिंग। यूजिंग टूडे लैंग्वेज डजेंट मीन यूजिंग द वर्ड टूडे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं आप सिर्फ टूडे टूडे यूज करें, आपने आज के बारे में बात कर रहे हैं तो आज की जबान इस्तेमाल करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्टिगेट। Police are continuing to investigate indicates that something is going on today without us having to use the word today. ठीक है, इसमें आप टुडे का वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ आ रहा है कि पुलिस आर कंटिन्यूइंग द इन्वेस्टिगेट। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि आज की बात हो रही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप टुडे का वर्ड यूज करें, लेकिन आपने आज की जबान, आज की लैंग्वेज, टुडेज लैंग्वेज में बात करनी है। ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज सेशन। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक और भी हैं, वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी।
एक दफा मैं बस अब रिपीट कर देती हूँ ताकि अगर मैं अब आगे चलूंगी तो इसके अभी मजीद और हैं चीजें, ठीक है। तो फिर मैं आपको इसमें थोड़े से कोई रिटन वर्ड भी करवाना चाहूंगी, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस दूंगी जो सेंटेंसेस आपने अभी जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं और अभी जो अगली क्लास में बताऊंगी अगले सेशन में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा काम दूंगी, आपका ये मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगी, आप वो सेंटेंसेस नोट करेंगे और फिर उन सेंटेंसेस को आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हुए चेंज करेंगे, जिसमें सारी मैंने आपको जितनी भी मिसालें बताई हैं स्टार्टिंग से अभी जो मैंने लिखवाई है वो आप प्लीज उसको दोबारा एक गो थ्रू कर लें, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको यही बताया था कि राइट फॉर द ईयर नॉट फॉर द आईज, ये बेसिक डिफरेंस है इन रेडियो और ट्रेडिशनल न्यूज में। देन इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि बाज दफा हम इन्वर्टेड पैरामिड स्टाइल भी यूज करते हैं और कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो इसके अलावा भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड अपॉन द न्यूज। देन कन्वर्सेशनल टोन होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास जो है स्टोरी टेलिंग और ये इस तरह की कॉमन वर्ड्स आप यूज करेंगे, कैसे होंगी कन्वर्सेशनल टोन, ठीक है, कि आप लोग उसे यूज टू हो, उनको पता हो कि ठीक है आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो उनके नॉलेज में हो। कॉन्ट्रैक्शन हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का ये फायदा होता है कि वो जो रेडियो न्यूज रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं प्रेजेंटर्स, उनके लिए आसानी होती है उसको अदा करने में। देन डिक्लेरेटिव सेंटेंस होने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आप कर रहे हैं, आप सीधे जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं। देन सब्जेक्ट एंड वर्ब एक दूसरे से क्लोज होने चाहिए जितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो क्लोज इससे क्या होगा कि उसकी मीनिंग, ठीक है, मीनिंग बहुत इजीली जो है आप लिसनर समझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपने कोई बहुत सारे वेल डेवलप्ड फैक्ट्स देने से बेहतर है, ठीक है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स आप ना दें, कोई चंद वेल डेवलप्ड फैक्ट्स दे दें। बहुत ज्यादा किसी भी चीज की पर्सनैलिटी के इवेंट के बारे में बताएंगे वन बाय वन तो लोग उससे थोड़ा उनका जो है माइंड लॉस्ट हो जाएगा। देन एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पैसिव वॉइस। आप रेडियो स्क्रिप्ट जब भी लिख रहे होते हैं न्यूज में तो आप एक्टिव वॉइस को ही लेके लिख रहे होते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, जैसे मैं बताया था कि जहाँ पे जरूरी हो, जहाँ पे वो सही लग रहे हो आप, तो नॉर्मली उसको आप इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस यूज करेंगे। और जो लास्ट मैंने आपको बताया है यूज टूडेज लैंग्वेज, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ टूडे का वर्ड क्यों नहीं, आपकी वो जो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस है वो इस तरह होना चाहिए कि ये लगे कि ये काम अभी हो रहा है, पुलिस आर कंटिन्यूइंग टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी मैंने लास्ट टाइम भी आपको जो पढ़ाया था आर्ट ऑफ न्यूज राइटिंग वो भी उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये और अभी आज जो बताई है ये चीजें ऑलमोस्ट आगे पीछे ये कुछ चीजें ही हैं जो इन दोनों चीजों को आपने माइंड में रखना है, ठीक है। जब भी आप अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे तो लास्ट टाइम का भी मेरा लेक्चर जरूर सुनिएगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्ट है रेडियो राइटिंग, ब्रॉडकास्ट राइटिंग एक इज अ आर्ट। इसमें प्रिसाइज राइटिंग आपने करनी है, फोर सीज को अपने माइंड में रखना है। फोर सीज मीन्स कंसाइज, क्लियर, कंसिस्टेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इसके मीनिंग भी मैंने आपको बताए थे। देन फिर आपने कुछ न्यूज वैल्यूज का भी ख्याल रखना होता है जब आप न्यूज लिख रहे होते हैं, तो उस न्यूज वैल्यूज से रिलेटेड भी आपका एक सेशन हुआ है, वो न्यूज वैल्यूज भी आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। देन ड्राफ्टिंग बताया था मैंने आपको कि कुछ न्यूज ऐसी होती है जो चुनी जाती है, ठीक है, बहुत सारी न्यूज आती है, सारी न्यूज नहीं जा सकती है, आपने कुछ न्यूज को सेलेक्ट करना होता है, उसमें डिफिकल्ट जब आप लिख रहे होते हैं तो डिफिकल्ट वर्ड अवॉइड करने होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड हैं हियर देयर वो आपने अवॉइड करना होते हैं, आप नाम रिपीट नहीं कर सकते हैं बार बार, ठीक है, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, टू मैनी फिगर्स जो भी मैंने आपको बताया वो नहीं होना चाहिए। और लिखने के बाद आपने एक दफा जो है अपना स्क्रिप्ट पढ़ना जरूर होता है, ठीक है, बार दफा अल्फाज की अदायगी सही नहीं होती है तो आपने अल्फाज चेंज करनी होती है, आप सही अल्फाज लिख रहे होते हैं और जो भी आप लिख रहे होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है, कोशिश करें कि सिंपल अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा बात अपने लिसनर्स तक पहुंचा दें। तो इसके लिए आपने जाहिर है कि सिंपल वे में चलना होता है, कंसाइज प्रिसाइज वे में चलना होता है, इररिलेवेंट कोई भी आपका मटेरियल नहीं होगा
चाहे वो न्यूज हो या कोई भी कंटेंट हो रेडियो का, ठीक है। इररिलेवेंट बात आपने नहीं करनी होती है रेडियो में, हमेशा टू दी पॉइंट आपने लेके चलना होता है रेडियो में, ठीक है। और रेडियो स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं तो आपने डेफिनेटली उसमें हेडलाइंस का भी ख्याल करना होता है, ठीक है। शुरू में आपने हेडलाइंस देनी होती हैं, पहले रेडियो स्क्रिप्ट का इंट्रो होता है, ठीक है। ये बहुत दफा काम मैंने आपसे क्लास में भी करवाया है, होपफुली कि आपको याद हो, इतना बड़ा गैप आ गया है तो डेफिनेटली चीजें कुछ मिस भी हो गई होंगी, बट आपको याद होता है कि कोई भी रेडियो स्क्रिप्ट होता है हमेशा वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, जिसमें आप सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू कराची यूनिवर्सिटी रेडियो स्टेशन FM 90.6। हमेशा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है, देन आपने अपना जो सब्जेक्ट होता है वो बताना होता है कि आप किस मौजू पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मैं तो प्रोग्राम्स का बता रही हूँ। अभी हेडलाइन की बात हो रही थी, हेडलाइन पे आ जाते हैं कि हेडलाइन आपने न्यूज़ देनी होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया आपने, उसके बाद आप हेडलाइन दे रहे होते हैं, टुडेज हेडलाइन करके 3 4 5 जो भी आपके पास न्यूज़ है, पहले आप उसको इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइन करते हैं और फिर आप ये बता रहे होते हैं नो द न्यूज़ इन डिटेल, और फिर वो न्यूज़ जो है आप दोबारा वन बाय वन कर रहे होते हैं और आखिर में एंड कर रहे होते हैं आप, ठीक है। एंडिंग में भी आप एक कोई अच्छा सेंटेंस बोल के अपना जो है स्क्रिप्ट एंड कर रहे होते हैं, और इन चीज़ों की आपने ज़ाहिर है प्रैक्टिस करनी होती है जब आप लिख रहे होते हैं। अगर आप न्यूज़ अगर आप पेपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अब इस होता है हमारा कम्युनिटी रेडियो है, डिपार्टमेंट का रेडियो है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उस पर आपसे कंप्यूटर पर लिखा जाए। अगर आप न्यूज़पेपर पेपर पर लिख रहे हैं तो फिर आपने इसको हैंडराइटिंग में लिखना होगा, अगर हैंडराइटिंग नहीं भी हो कंपोज भी कर रहे हो तब भी आप पेपर की एक ही तरफ लिख रहे होते हैं, ठीक है। दोनों साइड पे हमेशा ये बात याद रखें, स्क्रिप्ट हमेशा एक साइड पे लिखी जाती है, दूसरा साइड उसका जो होता है वो खाली होता है, और ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो पेपर आगे पीछे नहीं हो जाए, और राइटिंग का अपने ख्याल रखना होता है, प्रैक्टिस जरूर करनी होती है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कितनी भी आप चीजें लिख लें आप जब इसको पढ़नी चाहेंगे न्यूज, तो उसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। वो आगे सेशन में मैं आपको, हो सकता है अगर टाइम हुआ और तो कोर्स ये रिप्रेजेंट किस तरह प्रेजेंट करते हैं न्यूज, न्यूज़कास्टर्स के लिए क्या चीजें होनी चाहिए इम्पोर्टेंट, वो भी उस पर भी डिस्कशन हो जाएगी, ठीक है। अभी ये वाली चीज जो है, ये जो अभी आपका आज का सेशन है, मैं यहाँ पे इसको एंड कर रही हूँ, लेकिन ये अगले सेशन में जाएगा, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी, और इसमें जब अगले हो जाएगा फिर मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा एक प्रैक्टिकल वर्क कराऊंगी, ठीक है। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे सेशन, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर इसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।